बारे में जानकारी दो। आइए जाने चतुर्थ पाद चौथा पाद संज्ञा स्वनाम से, संज्ञा स्वनाम से वाक्य क्यों नहीं बनते? संज्ञा स्वनाम से वाक्य क्यों नहीं बनते? कर्ता के साथ क्रिया लगाओ तो वाक्य, कर्ता के साथ क्रिया लगाओ वाक्य तभी बनते हैं। कर्ता के साथ क्रिया लगाओ तो वाक्य तभी बनते हैं। आइए हम धातु क्रिया परिचय के बारे में जानेंगे। अब देखें धातु, धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना पाया जाए इसे हम क्रिया कहते हैं। आप हिंदी में इसकी जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। अब इसका परिचय जानते हैं। कहते जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे गम, गम का अर्थ होता है जाना। पट, पट का अर्थ क्या होता है? पढ़ना आदि। धातु रूप पुरुष वचन व काल के अनुसार चलते हैं। धातु रूपों के काल को लकार कहते हैं। धातु रूप के काल को क्या कहते हैं? लकार। लकार क्या है? समय। धातुओं दो प्रकार की होती है, अपरिवर्तनीय व परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय धातु कौन सी होती है? जो धातु अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती है उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। जैसे पट, पट की धातु चेंज होगी, पट पढ़ती पठन पठंती, पढ़ती पठ पठत ऐसे चलेगी। भ्रम, भ्रमती भ्रमत ऐसे चलेगी। नम, ये स्थिति बिल्कुल ही नम, हस, ये सब स्थिति ही चलेगी। देखा अपरिवर्तनीय धातु के कुछ उदाहरण धातु आठ, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। पट धातु, पट का अर्थ क्या हुआ? पढ़ना। अब देखो पट्टी एकवचन में पट्टी एक पढ़ता है, पट्ट है द्विवचन में पट्ट है दो पढ़ते हैं। बहुवचन पठंती अनेक पढ़ते हैं। लिख धातु, लिख का अर्थ है लिखना, लिखती एक लिखता है, द्विवचन में लिखा दो लिखते हैं, बहुवचन में अनेक लिखते हैं, लिखंती अनेक लिखते हैं। आगे देखिए हस धातु है, हंसना अर्थ है एकवचन में हस्ती एक हंसता है, हसत दो हंसते हैं, बहुवचन में अनेक हंसते हैं, हसंती अनेक हंसते हैं। आप देखिए धातु आर्थ एकवचन द्विवचन। आप देखिए अब हम पाठ की हिंदी करेंगे, इससे पहले हमें उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। और देखो खेल धातु है, खेलना अर्थ है खेलती एक खेलता है, द्विवचन में खेला दो खेलते हैं, खेलंती बहुवचन में खेलंती अनेक खेलते हैं। आग खाना एकवचन खादती एक खाता है, द्विवचन खादत दो खाते हैं, बहुवचन खादती अनेक खाते हैं। आगे देखें बद बोलना, बद धातु बोलना एकवचन बदती एक बोलता है, द्विवचन बदते हैं दो बोलते हैं, बदती बदती अनेक बोलते हैं बहुवचन। धाव धातु अर्थ है दौड़ना एकवचन धावती एक दौड़ता है, द्विवचन धावते हैं दो दौड़ते हैं, बहुवचन धावती अनेक दौड़ते हैं। आगे देखें चल चलना, चलती एकवचन चलती एक चलता है, द्विवचन चलत दो चलते हैं, बहुवचन चलंती अनेक चलते हैं। नम धातु नमस्कार करना, नमती एकवचन नमती एक नमस्कार करती है, द्विवचन नमत है दो नमस्कार करते हैं, बहुवचन नमंती अनेक नमस्कार करते हैं। अब देखिए रक्ष रक्षा करना, एकवचन रक्षति एक रक्षा करता है, द्विवचन रक्षते हैं दो रक्षा करते हैं, रक्षन्ति अनेक रक्षा करते हैं। भ्रम घूमना भ्रमति एकवचन भ्रमति एक घूमता है, द्विवचन भ्रमत है दो घूमते हैं, भ्रमति बहुवचन भ्रमति अनेक घूमते हैं। अब आगे देखें वी प्लस कस, वी प्लस कस खेलना खिलना, वी प्लस कस खिलना, विक्स्ती एक वचन में विक्स्ती एक
बदल कर प्रयोग किया जाता है। बेटा परिवर्तन वो भी जो बदलाव आए रूप में धातु में बदलाव आ जाए वो इन्हें परिवर्तन धातु कहते हैं। जैसे गम गम में तो जाना इसकी क्या चलेगी धातु गस्ती पा पिब ठीक है पिब धातु चलेगी भू की भव धातु बनेगी स्था की पिष्ट धातु बनेगी ठीक है बेटा आदि परिवर्तन धातु के कुछ उदाहरण। अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे जैसे हम देखें अब उन्हें आ जाएगा धातु और एकवचन द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए पा पा धातु है मगर चलेगी कैसे बनेगी कैसे ये पिब पिब का अर्थ होता है पीना एक वचन में पिबती एक पीता है पिबता है दो पीते हैं बहुवचन में पिबंती अनेक पीते हैं। फिर आगे देखिए अब इसके दृश्य दृश्य की बनेगी स्पष्ट धातु देखना एक वचन में पश्यति एक देखता है द्विवचन में पश्यत है दो देखते हैं पश्यन्ति बहुवचन में पश्यन्ति अनेक देखते हैं। आगे देखें गम धातु गम में क्या बनेगी धातु गज गज का होता है जाना क्या बनेगा एकवचन में गस्ती जा एक जाता है गस्त है द्विवचन में दो जाते हैं बहुवचन में गच्छन्ति अनेक जाते हैं। आप देखो त्रि तर तर धातु बनेगी तैरना तरती एक तैरता है द्विवचन में तरत दो तैरते हैं बहुवचन में तरंती अनेक तैरते हैं। गई गई में गाय गाय बनेगी धातु इसका अर्थ होता है गाना एक वचन में गायती एक आता है द्विवचन में गायन दो गाते हैं बहुवचन में गायती अनेक गाते हैं। अमृत धातु है नृत्य बनेगी धातु इसकी नृत्य की नृत्य बनेगी इसका अर्थ होता है नाचना एक वचन में नृत्यति एक नाचती है नृत्य है दो नाचती है द्विवचन में और बहुवचन में नृत्यंति अनेक नाचती है। भ्रा इसकी बनेगी जिर्द सूंघना देखो जिर्दती एक वचन में जिर्दती एक सूंघती है जिर्दता है दो सूंघती है और बहुवचन में जिर्दंती अनेक सूंघती है सूंघना। अब इस पाठ में लोट का पाठ इस पाठ में लट लकार वर्तमान काल के नियमों में पढ़ेंगे। वर्तमान काल में धातु रूप बनाते समय धातु में प्रत्यय जोड़ जाए वर्तमान काल चली बेटा। अब देखो पुरुष एकवचन द्विवचन और बहुवचन प्रथम पुरुष धातु प्लस अति धातु और तय है द्विवचन में धातु प्लस अंति धातु प्लस असी धातु प्लस असे है और धातु प्लस अतः है। अब उत्तम पुरुष में धातु प्लस अमी एकवचन में द्विवचन धातु प्लस आवे और धातु प्लस आमे। अब देखिए पट धातु लट लकार कर्ता के साथ प्रयोग करें। देखो पुरुष प्रथम पुरुष एकवचन देखो स पटती क्योंकि पहले में देखो अति जुड़ा ना अति पट में अति जुड़ेंगे तो क्या बनेगा पटती तो स पटती वह बालक पढ़ता है वह पढ़ता है बालक दिया होगा तो वहां बालक लिखेंगे ठीक है बेटा। अब देखो स्त्रीलिंग में सा पटती स का क्या बनेगा सा पटती वह बालिका पढ़ती है। द्विवचन देखिए इसका तो पढ़ता है दो बालक पढ़ते हैं ते पढ़ता है वे दो बालिकाएं पढ़ती हैं। बहुवचन देखिए उसका ते पठंती अंति जुड़ गया पढ़ता तो मैं अंति जुड़ गया तो क्या बनेगा पठंती वे सब बालक पढ़ते हैं ता पठंती। अब यह है स्त्रीलिंग स सा ते ता स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग में बहुवचन वे सब बालिकाएं पढ़ती हैं। अब है मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष में तमाम तमाम मीन्स तुम पढ़सी तमाम पढ़सी असी जुड़ गया पठ में असी जुड़ गया तो पढ़सी हो गया तुम पढ़ते हो तुम पढ़ती हो युवा पठान पठत तुम दोनों पढ़ते हो तुम दोनों पढ़ती हो बहुवचन में युवक पठत तुम सब पढ़ते हो तुम सब पढ़ती हो। अब देखिए उत्तम पुरुष का एकवचन अहम अहम इज मैं पठामी मैं पढ़ता हूँ एक वचन में मैं पढ़ती हूँ स्त्रीलिंग में मैं पढ़ती हूँ। अब आप पठावे द्विवचन आ गया अब तक हम दोनों पढ़ते हैं हम दोनों पढ़ती हैं बहुवचन में मैं पढ़ता मैं हम सब पढ़ते हैं हम सब पढ़ती हैं। आगे देखिए इसके बेटा
धातु को दंगित करने के लिए राइटिंग, ये राइट है बेटा, इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी धातु को संकेत करने के लिए हम इस चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा पट, पट के साथ में अगर हम ये पट को लिख के ऐसे राइट लिख देंगे तो धातु बन जाएगी पट का, ठीक है। परिवर्तनीय धातुओं का परिवर्तित रूप प्रयोग किया जाता है, जैसे गम, गम प्रसति गमसी। आप देखो गम प्रसति गम से नहीं होती धातु बेटा, गम से गच निकलेगा, गच से बनेगी गच प्रसति गच्छी, ये धातु बनेगी, ठीक है। अस धातु लट लकार वर्तमान काल, देखिए पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष अस्ति वह है, मदन रूप आप देखिए इसका द्विवचन सह वेदों है, बहुवचन संति वे सब है, मदन पुरुष असि हो या तुम, स्थाहा हो या तुम दोनों, सह हो इसका अर्थ होगा सह हो तुम सबकी, तुम सब आएगा यानी कि यूयम आएगा तो सह लगेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा हो। उत्तम पुरुष अस्मि हूँ मैं यानी कि अहम, अहम के साथ अस्मि का प्रयोग होगा जिसका अर्थ होगा हूँ। अब स्वह हम दोनों, अहम अवाम, अवाम जहाँ आएगा स्वह आएगा उसका अर्थ होगा है। अब ये है वयम, वयम जहाँ आएगा उसका अर्थ होता है हम सब, तो यहाँ आएगा स्वह। अब इसका अभ्यास करते हैं, अभ्यास के बारे में जाने, अभ्यासाभ्यास लिखावे लिखती लिखामी